everyone, this is Aniray from Muscle Clinic. जैसे आप सबको पता है मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, तो मैं अपनी सारी जो यूट्यूब वीडियोज है वो मैं iMovie में एडिट करता हूँ। जैसे मेरे पास मैकबुक प्रो है, तो मैंने बहुत दिन से एडिट करने के बाद मुझे एक प्रॉब्लम लगा कि मैं जैसे कुछ भी अपना कंटेंट के डिटेलिंग में अगर साइड में डालना चाहूँ, जैसे जो लेटर्स में आपको डालना चाहूँ, तो बराबर हो नहीं रहा था, क्योंकि उसमें एक दो लाइन का टेक्स्टिंग का जगह बचा हुआ रहता है कि एक दो लाइन बस आप हेडिंग डाल सकते हैं या अपना नाम डाल सकते हैं। बट जैसे मैं कुछ अपने वीडियोस, मैंने अपने फूड के वीडियोस बनाए हुए थे, जैसे प्री वर्कआउट के वीडियोस, तो मैं जैसे इंग्रेडिएंट की लिस्टिंग, जैसे लॉन्ग लिस्टिंग ऐसा साइड में आना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहता था। बट iMovie में मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी, मैंने टेक चैनल भी सर्च किए, बट उसमें मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो मैंने एक दिन, मैं अपने लैपटॉप पे बैठा हुआ था और मैं कुछ छेड़छाड़ करते करते मैं कुछ सीखाऊं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, एंड दिस इज अ टेक वीडियो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जैसे आपने iMovie के टाइटल्स में आप जाएंगे, जैसे कुछ भी आप टाइटल, जैसे मैंने इसमें इनविक्टस टाइटल दिया हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शंस बहुत ही कम है, या फिर ये वाला ऑप्शन है जिसमें आप थोड़ा ज्यादा टाइटल ले सकते हैं, लेकिन वो बीच में आपके स्क्रीन में आ जाएगा। लेकिन आपको जैसे साइड में ऐसा कुछ टाइटल चाहिए, तो उसमें आपके लिमिटेशन रहती है कि आपको छोटे छोटे चीजें ही दिखती है, मतलब जैसे एक दो लाइन ही आप लिख पाते हो। तो ये प्रॉब्लम मैं काफी दिनों से फेस कर रहा था, तो मैंने यूट्यूब में काफी सर्च मारा कि कुछ मुझे इसके हिसाब से मुझे मिल जाए, बट ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं था। और मेरा ये वीडियो था, इसके साइड में मुझे कुछ ऐसे टाइप के डिस्क्रिप्शन चाहिए थे, तो मैंने क्या, फिर मैंने बोला कुछ किया जाए इसका। लेकिन जैसे बाकी जो मैंने यूट्यूब वीडियोज में देखा, तो चैनल में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें सारी बस पेड, जैसे मैंने फिर आपको बताया बाकी जो एप्स थे वो पेड थे, या ऑनलाइन में जब भी आपको कुछ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए कुछ चाहिए रहता है, तो सारी चीजें पेड थी जो मैंने यूट्यूब में देखा हुआ था। तो मैंने एक सोल्यूशन निकाला कि कुछ ऐसा एडिटिंग, फोटो एडिटिंग मुझे ऐप मिल जाए, लाइक फोटोशॉप एंड ऑल, क्योंकि फोटोशॉप इसमें पेड होता है। तो फिर मैंने काफी टाइम पहले मैंने फोटो स्केप करके एक ऐप देखा हुआ था, तो आपको जो इसका जो ऐप वर्ल्ड है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें फोटो स्केप हम सर्च करते हैं, तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप इसको पहले डाउनलोड कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो आप इसको फोटो स्केप एक्स फोटो, तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आपका डाउनलोड हो गया, तो कुछ वो ऐसा दिखेगा आपका, ठीक है। तो फिर मैंने क्या सोचा कि कुछ इसी से रिलेटेड हम काम किया जाए, तो फिर मैंने क्या किया उसमें, फ्रेंड्स फोटो स्केप कुछ ऐसा दिखेगा आपको दिखने में। तो मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया था कि मैं एक बैकग्राउंड कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे आप वाइट बैकग्राउंड करके गूगल में सर्च कर लेंगे तो ऐसा आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा, तो उसको आप सेव कर लीजिए, ठीक है। तो इसको सेव इमेज एज कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया आपका डेस्कटॉप पे, तो ये कुछ ऐसा इमेज आपका सेव हो गया, ठीक है। या फिर डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, डाउनलोड इमेज, ठीक है। तो सेव एज डाउनलोड में आपका वो हो गया, सेव हो गया। तो इसको हम ले लेते हैं, और अभी हम जाते हैं डाउनलोड में, फाइंडर में, ये आपका जो इमेज आपका सेव हो गया, तो इसको क्या करेंगे, हम फोटो स्केप में एडिट करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो कुछ ऐसा दिखेगा ये फोटो स्केप पे। अभी हमको क्या करना है, मैं पहले गलती क्या किया था, इसके ऊपर टेक्स्टिंग मैंने ऐड कर दी थी, और फिर मैंने वो वीडियो पे लिया हुआ था, तो मेरा ये वाइट कलर का बैकग्राउंड दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर शायद मैं इस बैकग्राउंड को हटा दूं तो कैसा रहेगा। तो जैसे आपका ये एडिट का ऑप्शन रहता है, इसमें आपको एक ऑप्शन ऐसा आपका वाइट कलर का बैकग्राउंड आ गया, तो आप इसके जो फोटो स्केप के टूल्स में जाइए, और आपको दिखेगा इरेजर करके ऑप्शन, ये जो आपका ऑप्शन दिख रहा है इरेजर, तो इरेजर से हम इसका बैकग्राउंड क्लीन कर देंगे, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। तो मैंने रेड कलर का इसलिए रखा है ताकि आपको समझ में आए कि ये इरेज हो रहा है, ठीक है। तो ये आप इसको इरेज कर लीजिए, इजीली आपका इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इरेज होने के बाद ये बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं आपका वाइट, तो ये पूरा कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आपको मिल गया, ठीक है। तो इसको कोई भी वीडियो में जैसा आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। अभी क्या करिए, इंसर्ट में जाइए और टेक्स्ट आप इंसर्ट करिए, तो ठीक है। ये मैंने इस कलर का इसलिए रखा है ताकि आपको समझ में आए। तो हम टेक्स्ट में लिखते हैं, जैसे प्लीज लाइक शेयर ठीक है, लाइक प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज
आपको ही बोल रहा हूँ कि आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो अब जैसे आपका वीडियो का फ्रेम जो रहता है वो आपका बीच में रहता है, तो ऐसा साइड में हमने शिफ्ट कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। तो यस करिए इसको, और इसका जो सेव टू, पहले आप इसका फाइल, आप इसका लोकेशन दे दीजिए, ठीक है। इसको आप सेव एज करिए, जैसे मैं ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर देता हूँ, ट्रांस बैकग्राउंड, ठीक है। तो इसको डेस्कटॉप पे इसका वो कर लीजिए, और जो फाइल का ऑप्शन रहेगा उसमें आप सिलेक्ट करिए पीएनजी, ठीक है। तो आपका सिलेक्ट हो गया ये, तो ये आपको डायरेक्ट आपको डेस्कटॉप पे मिलेगा ये, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप पे हमने लिख दिया था जो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला। तो अब लेते हैं, हम चलते हैं आई मूवी में, ठीक है। तो आई मूवी में यहाँ पर आप जो आपका जो ये जो इम्पोर्ट करते हैं आप जब अपना कुछ भी, तो इसमें हम इम्पोर्ट करते हैं और जाते हैं डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, जो मैंने ट्रांस बैकग्राउंड किया हुआ था इसको हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। अब मुझे जैसे यहाँ पर आपका डालना हुआ तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ, इतना तो एडिटिंग आपको आता ही होगा। तो मेरे शायद लेटर्स थोड़े से बड़े हो गए, तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर जाके हमारा वीडियो कैसा दिखता है। जैसे ये साइड में आप देख पा रहे हैं, आप कुछ भी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप। तो इसको थोड़ा बीच में रखिए, क्योंकि आई मूवी का जो रहता है वो थोड़ा सा कैसा रहता है, वो जूम करता है उस चीज को। तो आपका जैसे यहाँ पर साइड में जो आपका वो रहेगा, एक बार और आएगा शायद अभी, जैसे आते ये देखिए, तो ये आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये काफी सबसे इजी और फ्री तरीका है आपके वीडियो में आपके टेक्स्ट को ऐड करने का। तो अगर आपको कोई क्वेरीज है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आई एम नॉट अ टेक गाय, बट मैंने कुछ सीखा अपने आई मूवी को यूज करते करते, तो मैं मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। So friends, hope you like this video. If you did, then please like, share, subscribe our YouTube channel. Keep pumping, stay blessed.